बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दें? आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। मंत्री जी का एक बयान आया है कि बुलडोजर इस्तेमाल करने के लिए दिमाग बहुत मजबूत होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, और वो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो दंगाइयों के आगे नाके टेक देते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट हैं उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दें? और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं।
देखिए मुख्यमंत्री जी न किसी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं।